क्या आप भी अच्छा एयर कूलर लेने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ बढ़िया एयर कूलर के बारे में बताऊंगा जो कि अंडर 5000 से 6000 के बीच में मिल जाएंगे। तो चलिए सब एयर कूलर के बारे में जान लेते हैं। पहला एयर कूलर आता है बजाज कंपनी का। ये पर्टिकुलर मॉडल आपको 27 लीटर कैपेसिटी में मिलता है और देखिए अगर सिंगल या डबल लोगों के लिए ईजिली अच्छा रहेगा, आपका बहुत बड़े कमरे के लिए तो नहीं, अगर आपका छोटा कमरा है तो उन सब के लिए बढ़िया रहते हैं। इन्वर्टर कंपेटेबल रहेगा, 3 स्पीड कंट्रोल रहेगा, इसमें आपको हनी कॉम पैड्स मिलेंगे, साथ ही में देखिए 27 लीटर कैपेसिटी के चलते अच्छी हवा फेंकता है, आराम से सुबह से शाम तक चल जाएगा, आपको सिर्फ 4500 रुपये में मिल जाएगा। तो अपनी लिस्ट में ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। बजाज का एक और आता है P70 करके, ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है और हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी के चलते उसमें जो पावर मोटर की पावर रहती है बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया हवा फेंकता है, तो इसको भी अपनी लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। इसका प्राइस भले ही थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा पर उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है और भी हवा भी थोड़ी ज़्यादा फेंकता है, तो उसके प्राइस की बात करें आपको 6000 रुपये में मिल जाएगा, इसको भी अपनी लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। 36 लीटर कैपेसिटी में आता है। नेक्स्ट आता है सिम्फनी का आइस क्यूब, ये बहुत पॉपुलर है। अगर आपका देखिए छोटा रूम है 2 से 3 लोगों के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर देखिए बड़े अगर आप बड़ा लेने का सोच रहे हैं तो आप ये 5 से 6000 वाले मत लीजिएगा, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये पर्टिकुलर मॉडल देखिए 27 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, 6200 रुपये में आपको मिल जाएगा, इसको भी आप अपने लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट आता है कैसा कोपरगन का, ये रिसेंटली नया ब्रांड हुआ है, बहुत ही अच्छे इसके कूलर आ रहे हैं, बहुत अच्छा कस्टमर फीडबैक है, इसमें भी आपको हनी कॉम पैड स्पीड कंट्रोल ये सब आपको फीचर मिल जाएंगे, तो इसको भी अपनी लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। ये देखिए हनी कॉम पैड रहते हैं और इसकी प्राइस की बात करें ये भी काफ़ी नॉमिनल रेट में है, 5000 रुपये मिल जाएगा। इन सभी में से कोई भी ले सकते हैं, इन सबके बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा।